ये सर सबसे पहले तो मैं अपनी खुशी जाहिर करना चाहूंगा कि आपने क्राइम फ्री भारत मिशन को ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर लिया है। सर मेरा सौभाग्य है सर। सर अच्छा, एक चीज आप समझ पा रहे हैं कि इस देश के साथ बहुत ज्यादा दुष्टता हो रही है, जी इस बात को आप किस हद तक समझ पा रहे हैं? सर बहुत ज्यादा तो इसमें सोचा नहीं है, लेकिन जब से आपका वो कुछ दो तीन जो क्लिप भेजी है उसके हिसाब से थोड़ा अभी प्रयास कर रहा हूँ सर समझने का। ओके, नहीं लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये बच्चा भी अनुमान लगा सकता है? जैसे अज्यूम करिए, यदि यदि आप गुलाम हैं, एक किसी देश के गुलाम हैं और गुलामों का के ऊपर शासन किया जा रहा है, तो जब आप स्वतंत्र देश बनेंगे तो आप उन्हीं जी सब नियम कानून और व्यवस्था को थोप के रखेंगे या वो व्यवस्था बदलना चाहिए? बदलना चाहिए सर चलना चाहिए। तो आपके जी जो जितने भी नियम कानून हैं, जो जी अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को शासित करने के लिए, शोषित करने के लिए, कुंठित करने के लिए, उनमें हीन भावना पैदा करने के लिए और उनका शोषण करके इस देश को जो है गरीब बनाने के लिए जो नियम कानून और व्यवस्था बनाई गई थी, वो जी सभी नियम कानून और व्यवस्था हमारे ऊपर हमारे इस इन दुष्ट राजनेताओं ने नहीं थोप के रखी है क्या? निश्चित तौर हमारे निश्चित तौर से विद्वानों को, जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, आपके हिसाब से नहीं लगता है कि हमें थोड़ी बहुत लज्जा आना चाहिए कि इस देश का इतिहास बदल दिया गया है? जो इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा है वो पूर्ण सत्य नहीं है, वो अर्ध सत्य है। और जी इस देश में आक्रमणकारियों और आतताइयों को महान कहा गया, उनको महिमा मंडित किया गया और हमको ही मलिन किया गया। जी बिल्कुल आप ये बताइए। ये तो मेरे मन में भी बहुत टीस है। मेरे मन में क्या, मेरे ख्याल से हर भारतीय के मन में ये टीस होगी कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि आपको चारों तरफ से इतना घेर के और फंसा के रखा गया है कि आपको सोचने के लिए और चिंतन करने के लिए और अंदर झांकने के लिए कुछ समय ही नहीं बचा है। जी पहले एक व्यक्ति कमाता था, पूरे कुनबे को पाल लेता था, आज मियां जी बीबी दोनों लगे हुए हैं, दोनों पसीने में तर बतर हैं, अपने दो बच्चों को नहीं पाल पा रहे हैं, चारों तरफ से महंगाई के, चारों तरफ से टैक्सेस के, चारों तरफ जो है ना कंप्लायंस के जाल बिछा दिया गया है और आप जी सुबह से लेकर शाम तक उस कंप्लायंस को करने में लगे हुए हैं और वो कंप्लायंस इतने जटिल बनाए गए हैं कि आप पूरी मेहनत भी कर लेंगे तो भी गलती रही जाएगी नंबर 1। और जी उसमें इस बादशाही व्यवस्था को इतने अधिकार दे दिए गए हैं कि जब वो चाहें वो तब आपके ऊपर जो है ना आपका व्यवसाय बंद कर दें, आपकी बत्ती गोल कर दें, आपको जेल में डाल दें, आपके अकाउंट सीज कर दें। आपको नहीं लगता है कि एक आपको एक मकड़ जाल में फंसा दिया गया है? सर मतलब ये इस बात से आप क्या आप इसे महसूस कर पा रहे हैं? हाँ सर पूरी तरह से अब आप ये बताइए कि हमने एक संकल्प लिया है कि 2024 में सभी जी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हमारे चंद्रगुप्तों के हाथों पराजित होंगे। इस बात को समझने का आपको कुछ मौका मिला है? कुछ चिंतन करने का मौका मिला है क्या? इस तरफ बहुत ज्यादा कभी सोचा नहीं सर, क्योंकि जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि अपन इतने उलझ के रह गए हैं कि बिल्कुल एक एक सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है कि हम, और तब भी परेशान है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी परेशान ही परेशान है, इतना ज्यादा परेशान है कि क्या ही कहा जाए। हाँ, मतलब आप परेशान भी हैं, आप चिंतित भी हैं, आपको तंग भी किया जा रहा है और आपको जी बोलने नहीं दिया जा रहा है।
आपकी जो हाँ जायज समस्याएं हैं, जायज अपराध आपके ऊपर जो घटित हो रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, और जी बाहुबलियों और जो इन राजनेताओं के चरण सेवक हैं वो आम जनता जी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, सांठ गांठ करके, कुछ घूस जी दे के फर्जी मुकदमे भी कायम कराए जा रहे हैं, और लोग बाग जो है प्रताड़ित होके मन जी महसूस के जो है जी रहे हैं जैसे कि वे स्वयं गुलाम, जी ऐसा आपको लग रहा है क्या? एग्जैक्ट, मैं खुद भी प्रताड़ित हूँ ऐसी कुछ चीजों से तो। देखिए मैं आपको बताऊं, हम में से हर कोई प्रताड़ित है एक जी एंगल से या दूसरे एंगल से, और जहां पे हम लकी हैं कि शायद हमारी स्थिति के कारण कोई प्रताड़ित ना कर पा रहा हो, वहां जी पे आपके किथन केन और रिश्तेदार तो प्रताड़ित हो ही रहे हैं, जो रोज जो है ना हाँ आपसे दया की अपील कर रहे हैं, आपसे इंटरवेंशन की अपील कर रहे हैं, आपसे कुछ मदद की जो है आशा से देख रहे हैं आपकी ओर। जी आप उसकी मदद कितनी कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि आपका नेटवर्क अच्छा है, आप वरिष्ठ लोगों को जानते हैं, उनके साथ काम करते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि शायद आप उनकी मदद कर पाए, है कि नहीं है? अच्छा, जी, बिल्कुल एक हम चिंतन आपसे शेयर करना चाहते हैं। सर। मुझे लगता है कि इस देश में जो कोई भी मैटर करता है उसे जो विदेशी शक्तियां हैं, चाहे वो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो या देश हो, वो उनको चिन्हित करके टारगेट करते हैं, जी और उन्हें ये एहसास ही नहीं होता है कि उन्हें किसी फंदे में फंसाया जा रहा है। तो एक जी बात मैं आपसे शेयर करता हूं, क्योंकि आपको भी बहुत सारे जो है सेमिनार और दाएं बाएं बुलाया जाता है, आप जाते भी हैं, और सर आई डोंट नो कि आपको इंटरनेशनल का कितना एक्सपोजर मिला है, लेकिन हमारे चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों, चाहे जजेज हों, चाहे वैज्ञानिक हों, उन्हें कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन चिन्हित करके, जो थोड़ा सा भी अच्छा कर रहा है उसको चिन्हित करके सेमिनार के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर विदेशों में बुलाती हैं, उन्हें जी अच्छे 5 स्टार होटल में ठहराती हैं, और अपने लाभ की चीजें विभिन्न मॉड्यूल के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आपके दिमाग में घुसेड़ दिया जाता है, जी और फिर आपको कुछ आर्टिकल लिखने के लिए कहा जाता है, आप जो एक साधारण सा आर्टिकल लिखते हैं वो साधारण सा आर्टिकल फिर विश्व के सबसे बड़े जर्नल्स में ये शक्तियां उसे प्रकाशित कराती हैं, और वो एक जी सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता जी है, और इसके बाद जो है एक आध अवार्ड देके आपको सेलिब्रिटी बनाया जाता है, जी और फिर जो है आपके मुंह से वो सब चीजें कहीं कहलवाई आती हैं जिसके कारण वो रासायनिक विष से लेके हर हानिकारक चीज आपके देश पर थोप पाए, इस चिंतन से आप किस हद तक सहमत हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, 100% सहमत हूँ। क्या MS स्वामीनाथन जी ने जो हरित क्रांति लाई है कहीं ना कहीं इसी फंदे का जो है एक स्वरूप है, वो सोचने की जरूरत है? मैं इसका बहुत भरपूर विरोध करता रहा हूँ, लेकिन मुझे सेमिनार से ऐसे कुछ जगह से जहां मैं ये बात करता हूँ तो भगा दिया जाता है, और मैं हर बार भागते रहता हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है भागने में, 50 बार पर मैं बात बोल के ही रहता हूँ, तो मेरा भारी कई बार तो अब मुझे तो बुलाना ही बंद कर दिया लोगों ने आप कि सही कह ये रहे हैं बहुत सुधाकर ऐसा बोलता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए है। मैं ये आपको ये बताऊं, अभी आपको इसमें से भगाया जा रहा है, पुराने समय में, नेहरू के समय में, तो आप लोगों ने अपनी किताबें नहीं लिख पाई, तो हाँ इन्होंने सर केवल आपकी हिस्ट्री को ही डिस्टोर्ट नहीं किया, बल्कि जिन लोगों ने इस षड्यंत्र में इनका साथ दिया उन्हें इन्होंने महिमा मंडित किया, पद्म भूषण पद्म श्री से उनको भूषित किया, और उन्हें ढेर सारी कमेटियों में रख दिया कि इनके बिना जो है
स्क्रीनिंग के, बिना इनके अप्रूवल के ना तो आपकी किताब छप सकती है, ना आपका आर्टिकल छप सकता है, ना आपकी सोच छप सकती है। तो जी देखा जाए तो चारों तरफ से जो है इन्होंने घेर के रखा है। जी आप थोड़ी सी जी राजनीतिक सर, बात कर ले थोड़ी सी। बिल्कुल अच्छा, आपको जो है ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत जो गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों को ट्रांसफर पावर हुआ, और सर। एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ब्रिटिश जी पार्लियामेंट में 17 जुलाई 1947 को पारित हुआ, जिसमें इंडिपेंडेंस केवल टाइटल में लिखा हुआ है, अदरवाइज जी इट इज ए ग्रांटिंग ऑफ डोमिनियन स्टेटस टू, जी जी राइट। जी और उसमें जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ वो इन काले अंग्रेजों को हुआ, और एक काले अंग्रेज भी वो अंग्रेज चुने गए जो अंग्रेजों के सेवा चरण सेवक थे, जी और जिसमें कि शिरोमणि जो है जवाहरलाल नेहरू को कहा जाएगा। और ये लोग जो है ना तो प्रजातांत्रिक थे और ना ही संविधान संविधान के प्रति इनको कोई श्रद्धा थी। तो आप ये जी बताइए, क्या हमारे राजनेताओं को जो अंग्रेजों ने नियम और कानून बनाए थे, क्या वो भारतवासियों के विकास के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनके उन्नति के लिए बनाए थे, या उनके शोषण के लिए बनाए थे? 100% शोषण के लिए सर। यदि एक कल्पना करते हैं कि आप उस समय यदि प्रधानमंत्री होते, तो वो चीजें जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर नियम कानून और व्यवस्था के रूप में थोपी थी, आपकी पहली प्रायोरिटी होती कि उसे बदला जाता? तुरंत सर, बिल्कुल पहली प्रायोरिटी होती, क्योंकि हम लोग जो है ना, जब हमें इंडिपेंडेंटली हम वो हो गए हैं या पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र हो गए हैं, तो फिर हम, ये कैसी स्वतंत्रता है जो अभी भी वही चल रहा है, ये चीज। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। जी हमारे तो किसी राजनेता ने नहीं कहा कि आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति, तो गुलामी के हर अंश में जो है ना, ये गली कूचों के जो नाम हैं उनको ही हम गुलामी के अंश मानेंगे, या गुलामी की जो पूरी व्यवस्था आपके ऊपर थोपी हुई है वो गुलामी कहलाएगी? सर, एक एक चीज को अभी रेक्टिफाई करके और चुन चुन के स्टडी करना है। स्टडी क्या करना है, वो तो सब दिख ही रहा है, बस उसको गुलामी के अंश जो है वो समझ के और उसको, उन चिन्हों को हटाना है। नहीं, मतलब गुलामी के जो है वो छोटे छोटे अंश भी, जैसे किसी रोड का नाम है, शहर का नाम है, वो छोटी छोटी हाँ चीजें हैं। ज्यादा हाँ 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 बड़ी गुलामी आपने नियम कानून और व्यवस्था अपने स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों पर थोप के हाँ रखी है, ये बड़ी हाँ गुलामी हाँ है या वो बड़ी हाँ गुलामी है? बदलना हर ये किसी को चाहिए, लेकिन ये बड़ी गुलामी है। हाँ जी। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो राजनेता हमारे वोट से चुने जा रहे हैं, जी ये हमको रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं, ये तो हाँ पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं? जी नहीं, इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं है? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, अब आप ये बताइए कि ये जो राजनेता है, क्या कोई व्यक्ति बिना कार्यकर्ताओं के राजनेता बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकते। तो ये तो इतने दुष्ट राजनेता हैं कि ये तो अपने कार्यकर्ताओं के भी भले नहीं हुए, उनके सगे नहीं हुए। इन कार्यकर्ताओं ने इनके लिए धरने दिए, जुलूस दिए, पुलिस की लाठियां खाई, इनके लिए आम सभाओं में भीड़ इकट्ठी की, इनके पोलिंग बूथ पर जो है ड्यूटी की। ये दुष्ट राजनेता अपने ही कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके दुष्ट लोगों को टिकट दे रहे हैं, दुष्ट लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, बाहुबलियों को टिकट दे रहे हैं,
अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, दल बदलुओं को टिकट दे रहे हैं, अपने आकाओं के बच्चों को टिकट बांट रहे हैं, लेकिन जमीन पे खड़ा हुआ वो कार्यकर्ता जो वर्षों से इनके लिए जो है ना काम कर रहा है, उसे ये नजरअंदाज कर रहे हैं जी और उसको बिल्कुल भी सर, टिकट देते हैं तो उनसे करोड़ों रुपए ले लेते हैं। अभी आपको, आई डोंट नो, आपको मालूम है कि नहीं, जो है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में केजरीवाल ने सभी लोगों के पैसे जो है ना डॉक्यूमेंट रखवा लिए और उनसे कुछ पैसे भी ले लिए टिकट देने के नाम पे, माय गॉड, और डॉक्यूमेंट इसलिए रख लिए जिससे कि आप किसी दूसरी पार्टी या दूसरी तरीके से अप्लाई ना कर पाए, आप इंडिपेंडेंट या किसी दूसरी पार्टी की तरफ से खड़े ना हो जाए, राइट। तो जी एक व्यक्ति ने 1.5 करोड़ रुपए दिया और डॉक्यूमेंट दिए, जब उसको जो है ना इन्होंने टिकट नहीं दिया तो ही कमिटेड सुसाइड। सही बात, अब ये सही बात बताओ, मतलब दुष्टता देखिए कितनी ज्यादा है। सर। वहां का तो मैंने थोड़ा सा करीब से देखा हुआ है, हल्का सा। ये अन्ना आंदोलन जब हुआ था उस समय हमारे मेरे ही एरिया के, बल्कि मेरे पड़ोस के गांव के, आठनेर, प्रॉपर आठनेर है सर बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, वहां का एक बंदा दिल्ली गया अन्ना आंदोलन में झंडा उठाने। जब देश प्रेम की बात कर रहे थे और हम लोकपाल और ये वो दुनिया भर की जो समझदारी की बात जो कर रहे थे, तो वो भी चला गया बेचारा, इंजीनियरिंग किया। उनके पिताजी आज भी यहाँ पर बोगदा पुल, बोगदा पर पंचर, साइकिल की पंचर की दुकान है उनकी अभी भी, आज भी। अब वो चले गए तो उनने अन्ना आंदोलन में जब गए तो उनको केजरीवाल ने टिकट दे दी। अब टिकट दे दी तो वो जीत गए, जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र है दिल्ली में, वहां जीत गए। अब उनकी सारी चीजें उनने जब्त कर ली और उनको, विधायक तो है वो, और अभी दूसरी बार भी वो विधायक बन गए, इस बार भी विधायक बन गया, वो दूसरी बार के विधायक। उनकी उनकी सुनने में ये आ रहा है कि उनकी जो है वहां किसी दूसरी कम्युनिटी से उनकी शादी करा दी। और वो, हालांकि उनको अभी वहां जंगपुरा में एक डुप्लेक्स जरूर बना लिया उनने खुद का, और लेकिन वो उनको पब्लिक से, जैसे मैं भी गया था मिलने पिछले बार, तो वो किसी को मिलने नहीं देते, बस वो विधायक भर बन के बैठे हैं, बाकी मिलना जुलना ये वो कुछ नहीं, सब सिर्फ केजरीवाल करते हैं। तो इस तरह के विधायक भी उनके जो है ना वो उस टाइप के हैं। और ये भी पता चला है कि वहाँ बाहर से लोगों को ला के और उनके तुरंत वो बना लिए जाते हैं, आईडी कार्ड वगैरह जो भी यहाँ के लिए जरूरी है, वो सारे दस्तावेज बना लिए जाते हैं, बल्कि पहले से ही रेडी रहते हैं, तब उनको लाया जाता है यहाँ तक। तो उनको वहाँ बिजली पानी सब कुछ फ्री है। आपका इशारा बांग्लादेशियों के प्रति तरफ है और उससे मिलते हाँ, जुलते लोगों की तरफ ही है। वो मिक्स्ड ही है सर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो कुछ भी कह पाना थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी। और रहेंगी क्या रोहिंग्या और ये जो, हाँ, रोहिंग्या, और वो लाते वहीं से है, ये उनको लाया जाता है पश्चिम बंगाल से और बिहार से, तो वो लाकर उनको वो कर दिया तो गया है। ये राजनीतिक दल हैं या देशद्रोही ताकतें हैं जो अपने छोटे से राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार है। सर ये मेरे ख्याल से, अब मैं बहुत स्पष्ट तो नहीं हूँ और स्टडी करने की जरूरत है, पर मेरे ख्याल से तो ये राजनीतिक दलों का शरण है उन विधर्मी ताकतों के लिए। आपका मैंने आपका कहना संरक्षण है, आपका कहना है कि इन्होंने नकाब पहन के रखा है राजनीतिक पार्टी का, अंदर से जो है ना ऐसी शक्तियों को कि वो हैंड इन ग्लोव हैं, उनको ताकत पहुंचा रहे हैं और राष्ट्र को क्षति पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, इतनी क्षति है सर कि राष्ट्र कभी भरपाई नहीं कर पाएगा। ये छोटी छोटी चीजें, जब अभी तो अंकुर है इनका, जब कांटे का विशाल वृक्ष बनेगा तो कोई संभाल नहीं पाएगा सर, ये मुझे लग रहा है। ये अभी मैं बताऊं, हमारे ही जिले में रहते ही रहते
बाहर से इतने विधर्म में कुछ लोग आके बैठ गए। अब वो मैं उसको शब्द कुछ हो सकता है एग्जैक्टली नहीं भी बोल पा रहा हूँ, लेकिन वैसे लोग आके और एक साल भर के अंदर एक नगर बसा लेते हैं और वहां उनका मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र मिल जाता है, उनका आईडी कार्ड बन जाता है, वोटर आईडी बन जाता है, सब कुछ बन जाता है रातों रात। साल भर के अंदर उनने 100 100 से ज्यादा घर बना लिए हैं, एक नगर बसा लिया पूरा नगर, और नाम भी उनने उसी तरह का दे दिया है, और कोई कुछ देखने वाला नहीं है, नेताओं को कोई से फुर्सत नहीं। मतलब जो है जो भाजपा के नेता हैं, क्या उनका समर्थन प्राप्त है उनको? यदि मध्य प्रदेश की बात है नहीं, तो हाँ उनके नेताओं का तो नहीं लगता मुझे, लेकिन उनकी उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 1000% उन्हीं को दोषी मानूंगा मैं। समर्थन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप आंखें बंद करके थोड़ी बैठे हो, नहीं, तो आप देख क्यों नहीं पा रहे? जो पुलिस की इंटेलिजेंस है या जो जी प्रशासन की आंख है या जो पदाधिकारी है, वो क्या कर रहे हैं? क्या वो भ्रष्टाचार की उसमें दबे हुए हैं, भ्रष्टाचार की गंगा में? ये मतलब किस तरीके का कृत हो रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है सर, हालांकि मैं बोलूंगा तो कुछ थोड़ा सा पता नहीं किस तरफ चीजें बोल रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मैं ये जान रहा हूँ कि इसमें जो जैसे अभी अपन जो बात कर रहे हैं इसी में, कि अगर मैं आपने मुझे कहा, मैं अगर बेबाक तरीके से नहीं बोलूंगा, या मैं जो कहते हैं ना कि बुरे लोग उतने बुरे नहीं होते जितने अच्छे लोग चुप रहते हैं, आप सही ठीक कह समय रहे पर हैं, आप अच्छे ठीक लोग कह जब रहे चुप हैं रहते कि हैं। आपकी समझ में कुछ गलती हो सकती है, लेकिन जो आप जी समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उसे कहने की आप हिम्मत तो कर पा रहे हैं। हाँ, मैं हिम्मत तो खूब कर लेता हूँ सर, मुझे क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, अगर डरूंगा तो फिर मेरे को इस मुहिम से या फिर इस मेरे विचारों से तौबा कर लेनी चाहिए, क्योंकि बिना क्रांतिकारी हुए अब कुछ नहीं कर सकते, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि अब इतने पीछे आ गए हम लोग कि क्रांतिकारी होकर भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा, इतना आसान अब कुछ रह नहीं गया जितना दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि ये इतना ज्यादा आसान है कि आप सुधाकर जी कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या आपने क्राइम फ्री सर भारत मिशन का ऐप से तो आप जुड़ गए हैं, आपने उसे समझा है? क्या आपने उसके पीछे चंद्रगुप्त बनने की फिलॉसफी को आपको समझने का मौका मिला है क्या? सर मैं मोटा मोटा तो कुछ समझ ही पा रहा हूँ, लेकिन जैसे रोजमर्रा के चक्कर में इतना ज्यादा वो नहीं हो नहीं गई मैं है वो नहीं कह जैसे। रहा हूँ, मैं इसलिए क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपका कोई टेस्ट नहीं ले रहा हूँ। मेरा आपसे वार्तालाप और वो कहने का मकसद ये है कि मैं फिर उसको आपको स्पष्ट करूंगा, तो जो चीज अभी तक आप नहीं समझ पा रहे हैं वो समझ पाएंगे। देखिए, क्राइम जी। फ्री भारत मिशन मैंने एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म 2017 में कंसीव किया था और इसे भारत सरकार को भेजा गया था। यदि आपको, आई डोंट नो, हो सकता है आपको जानकारी हो या ना भी हो, पहले नेशनल पुलिस मिशन का एक कॉन्सेप्ट जो है कंसीव किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, और ये जी पीएमओ से संचालित था, राइट? जी बाद में जी जब 2014 में माननीय मोदी जी आ गए, तो फिर वहां से जी पीएमओ से इसे रुखसत करके होम में भेजा गया और होम से बीपीआरएनडी में पहुंचा। तो जी 2017 में जो मैंने प्रस्ताव भेजा था कि अपराध मुक्त जो है भारत कैसे बनाया जाएगा, इट इज ए जी टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव, राइट? जिसमें जी जी पांच जो है सर्टेनिटी है कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, और यदि कोई गलत एफआईआर दर्ज करेगा तो उसको उसी सर्टेनिटी से प्रोसिक्यूट किया जाएगा। और जी ये किसी टेक्नोसेबी के लिए नहीं है कि आपने जो है ना ऑनलाइन कर दिया, कर दिया वो कर दिया। ये गांव के गवाणी की, जिसके पास ना लैपटॉप है ना वो कोई टेक्नोलॉजी समझता है, उसकी भी एफआईआर जो है बिना थाने जाए होगी, और आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगी।
जी हमारे पास जिसको भी कोई खिलौना मिलता है वो उसका दुरुपयोग करता है, हमारा डीएनए खराब हो गया है, तो उस खराब डीएनए के कारण जब भी कोई चीज बनाई जाती है तो लोग बाग उसका दुरुपयोग पहले करते हैं, चाहे वो डोरी का हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का हो, झूठ मूठ सभी के नाम लिखा दिए, तो गलती लिखा एक की है मालूम पड़ा, पूरे कुनवे के नाम लिखा दिए। तो दिए। हाँ, इस तरीके की दुष्टता जो है हम लोगों के जो है ना खून में समा गई है। तो समा गई, बिल्कुल इसलिए यदि कोई फैब्रिकेटेड और झूठ एफआईआर करेगा तो कॉन्सेप्ट का है कि उसको सर्टेनिटी के साथ प्रोसिक्यूट किया जाएगा, राइट? तो जी आप जी शिकायत करने गए तो आप मसीहा नहीं है, आपकी सही शिकायत सर्टेनिटी के साथ बिना थाने जाए लिखी जाएगी। और वहीं यदि आप फैब्रिकेटेड और फर्जी एफआईआर करेंगे तो आपको जी उसी सर्टेनिटी के साथ प्रोसिक्यूट किया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, बहुत बढ़िया सर, ये राइट? तो बहुत ही और जी जी जो 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 सेकंड प्रायोरिटी है, दैट जी प्रायोरिटी इज अबाउट कि क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन सर्वसाधारण पुलिस ऑफिसर को भी इतनी मदद करेगा कि ऐसे अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा करा पाएगा जो पुलिस की सोच के भी बाहर है, राइट? जी जी क्या और ये जी सर, जो चार्जशीट या जिसे चालान कहते हैं, ये चार्जशीट हाँ वुड बी इन ऑल केसेस 12 घंटे से 15 दिन के अधिकतम समय में चालान को मतलब कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। दिस इज द सेकंड सर्टेनिटी। हाँ फिर थर्ड सर्टेनिटी कह रही है कि जी बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड जी वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आज की तुलना जी में 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट ट्रायल करते हुए, जी जहां पर कि टेक्नोलॉजी इस बात को भी कैप्चर कर पाएगी कि देखिए ये गवाह है संभवतः झूठ बोल रहा है, ऐसे पसीना आ रहा है, इसकी टांगे कांप रही हैं, इस तरीके की चीजों को भी वो कैप्चर कर पाएगा। मतलब जो आप बहुत डॉक्यूमेंट ही अपलोड करेंगे वो उसे क्रॉस हाँ वेरीफाई करके कह गया कि हाँ ये झूठा डॉक्यूमेंट है और ये इन जी धाराओं का अपराध बनता है, लिहाजा कोर्ट से अनुरोध है कि ये अपराध का संज्ञान भी लिया जाए। ऐसा जी पावरफुल ट्रायल सिस्टम, और वो भी 3 दिन से 30 दिन के अंदर। फिर जी जो है चौथी सर्टेनिटी है, हाँ जिसके लिए मैंने एक ड्राफ्ट कानून बना के भी इनको भेजा था, नेशनल जी अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 लिस्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लंबा चौड़ा उसका नाम है, उसको हमने निकनेम दिया था डिजिटल चित्रगुप्त। और ये राइट जी टू प्राइवेसी को गारंटी कर रहा है, बट राइट टू प्राइवेसी जैसा कि हर राइट जो है ना एब्सोल्यूट नहीं है, इट इज रिलेटिव। द मोमेंट जी यू विल कमिट क्राइम, द सेम जो है डिजिटल चित्रगुप्त विल लॉज योर एफआईआर एंड विल प्रोवाइड ऑल द एविडेंसेस, राइट? तो फिफ्थ जी सर्टेनिटी है कि फोर्थ सर्टेनिटी है कि इट विल कैप्चर ऑल द इंफॉर्मेशन इन 360 डिग्री अंगेंस्ट ऑल क्रिमिनल्स। हेंस जब क्राइम करने के लिए कोई अपराधी निकलेगा तो सिस्टम जो है ये अनुमान लगा सकेगा, डिजिटल चित्रगुप्त ये अनुमान लगा सकेगा कि ये व्यक्ति अपराध करने की नीयत से निकल रहा है, इसके साथ में ये 4 लोग और हैं, इस वाहन से जा रहे हैं, इस रास्ते का अख्तियार करने की संभावना है और इनके अपराध का टारगेट ये व्यक्ति हो सकता है, और हाँ उसकी स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस जो है उस व्यक्ति को अपराध करने के पहले जहां स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेसेस परमिट करेंगी वहां पे उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर पांचवी सर्टेनिटी है कि जी भाई साहब जब आपको सभी अपराधियों को सभी कुछ मालूम है तो फिर हाँ आप जो है अपराधी को अपराधी क्यों बना रहने देना चाहते हैं, दैट सिस्टम विल रीच आउट के भाई अब आपको अपराध करने का विकल्प शेष नहीं रह गया है, क्योंकि आप अपराध करने निकलेंगे और जी अपराध करने के पहले आप जो है पकड़ लिए जाएंगे। हेंस यू डू नॉट हैव द ऑप्शन टू कमिट क्राइम, जी हेंस जो है वाई डोंट यू बी रिहैबिलिटेटेड। तो सर्टेनिटी ऑफ द रिहैबिलिटेशन, तो जी स्किल सेट देते हुए, ट्रेनिंग देते हुए, सिस्टम विल मेक इट श्योर दैट ऑल क्रिमिनल्स आर रिहैबिलिटेटेड। इतना पावरफुल है
सो जी ये कॉन्सेप्ट नोट बाज आफ्टर बहुत लंबी चौड़ी एनालिसिस होती है, पूरे कंट्री में उसे रेफर किया जाता है, पीयर ग्रुप एनालिसिस वगैरह होती है, पीयर ग्रुप रिव्यू होता है। 2019 में जो है इसे नेशनल पुलिस मिशन के रूप में मान्यता प्रदान की गई, और बहुत सुंदर। उसके बाद से मैं ही इसे हेड कर रहा हूं। बस मुझे ये समझ में नहीं आ गया कि जब हमारे राजनेता ही अपराधी हैं, ये अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं, ये बाहुबलियों को, दलबदलुओं को, अपराधियों को टिकट देते हैं। मिस्टर सुधाकर, आपको ये जानकारी है क्या कि अभी जो पार्लियामेंट गठित है उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनके अपने एफिडेविट के हिसाब से 42% जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे आर हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये मालूम है आपको? तो थोड़ा थोड़ा तो मालूम है, बहुत अच्छा, स्पष्ट रूप से नहीं, लेकिन ये तो 100% मैं मान ही चुका हूँ, और मैं क्या हर व्यक्ति मान चुका है कि ऐसा है नहीं ही। ये तो मैं आपको स्टेटिस्टिकल फैक्ट दे रहा हूँ जो इनके खुद के एफिडेविट में है, ये मैं कोई अपना जो है ना कोई रिसर्च वर्क नहीं बता रहा हूँ, दिस इज देयर ओन एफिडेविट। तो सामने वाला ये कह सकता है कि साहब जो है नेतागिरी में होते हैं तो छोटे मोटे ऑफेंस तो कायम हो ही जाते हैं, तो इनके विरुद्ध छोटे मोटे ऑफेंसेस नहीं है, 29% के विरुद्ध जघन्य अपराध हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार, ऐसे ऐसे अपराध बाप 29% का। तो ये हमारे राजनेता जो अपने कार्यकर्ताओं के सगे नहीं है, ये अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं दे रहे हैं हाँ नहीं दे रहे हैं। और छदम तरीके से जीत रहे हैं, दुष्टता से जीत रहे हैं। इन्होंने आईटी को कंट्रोल कर लिया, सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लिया, प्रिंट मीडिया को कंट्रोल कर लिया, जो आम सभाएं करते हैं वो भी प्रायोजित होती हैं, बसें जी भेजते हैं, लारीज भेजते हैं, आपके लिए लंच डिनर व्यवस्था करते हैं, ऊपर से 500 रुपए देते हैं। तो जी इलेक्शनियरिंग हैज बिकम ए वेरी वेरी कॉस्ट इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव फिनोमेना। तो इन्होंने जो है इस दुष्टता से मूर्ख बना के, फ्रीबी बांट कर, दारू बांट के, साड़ी बांट कर, ये गरीबों का मजाक बनाते हुए, उनको जो है ना वोट को खरीदते हुए, ये एन केन प्रकारण जीत रहे हैं, ये जाति और धर्म के आधार पर बांट कर और सोसाइटी में जहर फैलाकर बिना समाधान लाने, जबकि समाधान लाना इनकी ही जिम्मेवारी है, तो समाधान जी तो यदि ये समाधान ले आएंगे तो फिर आगे वोट कैसे पाएंगे? वोट कैसे पाएंगे। तो इस कारण से, और ये इतने दुष्ट हैं कि ये गरीबी हटाओ का नारा लगाते हैं लेकिन इनके जेहन में उल्टा होता है कि उल्टा होता है, बिल्कुल गरीब सही। गरीब बनाओ, इनके इनके वोट परचेज करो और इनको गुलाम बना के रखो। अब और ये संविधान की व्यवस्था के बिल्कुल अनुरूप नहीं चल रहे हैं। जैसे कॉमन आर्टिकल 44 में इस बात का इजहार किया है, जिसमें 5 पैसे नहीं लगना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू दिस कंट्री, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, ये संविधान के आर्टिकल 44 में लिखा है। 75 साल होने के बावजूद भी इन दुष्टों ने एक जैसी व्यवस्था नहीं दी है। नहीं दिया आर्टिकल जी 47 में लिखा हुआ है कि दारू और बाकी जो है नशा वाली जो सामग्रियां हैं उन्हें प्रतिबंधित किया जाएगा, ये संविधान में लिखा हुआ है, और जी इन दुष्टों ने गली गली कूचे में कलारियां खोल दी हैं, दारू की दुकानें खोल दी हैं, पाउच पहुंचा दिए हैं। आज हमारा युवा जो है पाउच पी रहा है और नमकीन खा रहा है, खाना नहीं खा रहा है, उसका शरीर जर्जर हो गया है, उसकी सोच जर्जर हो गई है, उसका डीएनए खराब हो गया है। खराब हो गए जी। लेकिन इन दुष्ट लोगों को आपकी सोच से, आपके अच्छे देश से कोई लेना देना नहीं है, इनके लिए इतना ही पर्याप्त है कि एन केन प्रकारेण ये सत्ता में काबिज हो जाए। जी इस एनालिसिस से आप कहां तक सहमत? 100% सर, आपसे ज्यादा सहमत हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, उल्टा उसका दुष्परिणाम खुद भी भोग रहा हूँ। सुधाकर जी, अब सुधाकर जी, अब अपन फोकस करते हैं कि हम क्या समस्या की बात करेंगे या समाधान लेके आएंगे, क्योंकि समस्या को बताने के लिए तो इन्होंने इतने सारे सोशल मीडिया, सोशल ग्रुप, सोशल हैंडल पैदा कर दिए हैं,
जो रोज आपको डराने का काम कर रहे हैं कि भैया समझ लो, यदि इनको नहीं जिताया तो तुम मर जाओगे। तो उनका काम अवेयरनेस करना है, वो पूरा झूठ नहीं बोल रहे हैं, बट वो आधा ट्रुथ को डिस्टॉर्ट करके बोल रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए। जी बिल्कुल इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? ठीक है सर। ओके, तो जो क्राइम फ्री भारत ने बिना खर्च की रणनीति पैदा की है, उसे आप समझना चाहोगे? हाँ सर क्यों नहीं समझेंगे, चलो, तो तो सर उसमें कुछ अपना थोड़ा बहुत समय दे पाएंगे या जो भी कुछ है प्रचार प्रसार, एक एक अगर एक ही व्यक्ति तक मैं पहुंचा सकता हूं तो वो कम से कम वो भी बहुत बड़ी चीज होगी सर। ठीक है, तो मैं अब आपको ये समझाता हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन ने ऐसा ताना बाना बुना है कि 2024 में सभी राजनीतिक दलों के सभी राजनेता चंद्रगुप्तों के हाथों पराजित होंगे। जी तो अब आप ये बहुत नहीं जानना चाहेंगे कि ये चंद्रगुप्त क्या बला है, ये चंद्रगुप्त कौन है, कहां से आएंगे? बढ़िया। इतिहास तो थोड़ा बहुत देखा सुना है, नहीं बाकी नहीं नहीं उसी नहीं वही नहीं नहीं थीम नहीं जो है विचारधारा। नहीं नहीं ये चंद्रगुप्त उस चंद्रगुप्त से भिन्न है। देखिए, नहीं हाँ नहीं मैं समझ रहा हूँ, पर ये जो है जो मोटा मोटा मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये कि जो वर्तमान व्यवस्था जो है वो हमारे लिए मुफीद नहीं है न थी, तो इस व्यवस्था को हम चुनौती देते हुए जो होना चाहिए व्यवस्था उस पर हम काम करने का फोकस करें, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक, ये मेरा। आप बहुत ठीक कह रहे हैं। लेकिन इसको जैसे उन्होंने कहा कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा, या उन्होंने कहा कि साहब जो है सत्यनारायण की कथा के वचन मात्र से आपके सभी कष्ट का निवारण हो जाएगा, ऐसे ही जी मैथिली सेनगुप्त ने क्राइम फ्री भारत मिशन का एक मॉडल लेके आए हैं जो हमारे सभी कष्टों का निवारण करेगा और हमें 5 पैसे खर्च नहीं करना होंगे। जी सर, उसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूँ, जैसे अभी आपने उदाहरण दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर में उतर ही पा रहा, उसके आगे का एक मुझे जो समझ में आ रहा वो ये है, उसी में लिखा हुआ है जिस ग्रंथ से आपने लिया है शायद उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा, तो सिर्फ नाम सुमरने से आगे की कहानी मुझे जो समझ में आ रही है वो नहीं कर्म नहीं वाली। सुधाकर जी, यहाँ पे कर्म और नाम से लेना देना नहीं है। जैसे नाम का स्मरण करना सरल है, ये प्रक्रिया भी उतनी सरल है, केवल सरलता को बताने के लिए कहा गया है। तो इससे नहीं इससे 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 जी कर्म का कोई लेना देना नहीं है। कर्म तो प्रधान होगा ही, और कर्म क्या करना है वो भी बताएंगे आपको, ठीक है ना? जी केवल जो ये जो मैंने एक चौपाई जो आपको बोली है वो हाँ इस बात को बताने के लिए, इंगित करने के लिए बोला है कि वो प्रक्रिया इतनी सरल होगी, हाँ नहीं ठीक मतलब है, पर उसमें नाम उसमें नाम जी नहीं, उसको आप उससे उससे मतलब शब्दों पे मत जाइए। मतलब हाँ जैसे नाम का स्मरण करना बहुत आसान है, ऐसे ही क्राइम फ्री भारत का जो पूरा मॉडल है वो हाँ इतना ही आसान है, और जी इसको जमीन पे उतारने के लिए आपको 5 पैसे खर्च नहीं करना होंगे, क्योंकि यदि जी आप बहुत पैसे खर्च बढ़िया सर, करेंगे तो आप एक हाँ और केजरीवाल बन जाएंगे। तो बन जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर हमें बिना खर्च की व्यवस्था लाना होगी, और जी। ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें हम प्रचार भी नहीं करेंगे, और हम इतना कहने का दुस्साहस भी कर रहे हैं कि 2024 में, जो कि बहुत दूर नहीं है, मात्र जो है जी 1.5 साल ही दूर है, उसमें जी जो है हम समस्त राजनीतिक पार्टियों के समस्त राजनेताओं को हरा पाएंगे। जी ये बड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना आज तक जो है, हाँ बिल्कुल सर, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, राइट? ऐसा हुआ नहीं। हाँ जी तब नहीं हुआ जब आप जो है, आपको मूर्ख बना के आपको कहा गया कि आप आजाद हो गए, उस समय भी ऐसा जी नहीं हुआ।
नहीं हुआ। हाँ राइट। जी तो इसमें इसकी गुणता को समझना, इसकी सरलता को समझना और इसको जमीन पे उतारने की जिम्मेवारी हम और आप सबकी है, ठीक है ना। सर, जी, तो इसके लिए क्राइम फ्री भारत मिशन ने 21 ऑब्जेक्टिव तय किए हैं और जिसके लिए कानून के ड्राफ्ट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ये रहेगा, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी का सहारा बहुत सारी जगह पे सिर्फ इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि हमारी विश्वसनीयता और हमारा डीएनए खराब हो गया है। हम इंडिविजुअल लेवल पे विश्वसनीय नहीं रह गए हैं, जी राइट। तो जी अब मैं इसको थोड़ा सा वो करता हूं। इसमें पूरी प्रक्रिया में एक ऐप है जिसे आपने डाउनलोड कर लिया है, आप ऑलरेडी जुड़ गए हैं, राइट। सर, उस ऐप में जो है यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे फीचर्स हैं। एक नीचे दाहिनी तरफ एक उसमें प्रोफाइल है, राइट। जी जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाई देगा उसमें, राइट। जी और जी उस आइडेंटिटी कार्ड के साथ आपके पास चार ऑप्शन है उसमें। एक जी ऑप्शन है शेयर लिंक ऑन व्हाट्सएप, राइट। जी दूसरा उसमें है कॉपी लिंक और तीसरा जी ऑप्शन है शेयर विथ अदर एनी मीडिया, ठीक है ना। किसी भी आप जी जैसे टेलीग्राम या कहीं किसी भी मीडिया पे आप शेयर कर सकते हैं उसको, राइट। एंड जी चौथा है डाउनलोड, तो आप अपने जी आइडेंटिटी कार्ड को डाउनलोड करके अपने उसमें प्रिजर्व सेव भी कर सकते हैं। तो जी ये इतना पावरफुल ऐप है कि बिना 5 पैसे खर्च किए, आपके 5 पैसे लगे क्या आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े हैं तो? जी नहीं नहीं। आपको जो है तत्काल अपना आइडेंटिटी कार्ड मिला कि नहीं मिला? मिल जी गया, ठीक है ना। अब जो है आप जो है अपने रेफरेंस से, जो हमने आपको बताया था ना शेयर ऑन व्हाट्सएप, शेयर हाँ कॉपी लिंक एंड शेयर ऑन अदर मीडिया, तो मैं जी इसमें से सबसे ज्यादा कॉपी लिंक को प्रेफर करता हूं, क्योंकि आप उसको जी कॉपी करके आप उसको एसएमएस से भी भेज सकते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है जी ना। और जो आपके रेफरेंस से जुड़ेगा उसके लिए आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे। तो ये प्रक्रिया समझना बहुत जरूरी है कि जो लोग आप जोड़े हैं उन्हें अपने रेफरेंस वाले उससे ही जोड़ें, राइट। क्योंकि जी आपको एक व्यक्ति को जोड़ने पर 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं। जी अच्छा, अब इस पूरी प्रक्रिया में आपको ये विश्वास दिलाने के लिए कि इस प्रक्रिया में आप अपना कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, सब कुछ जी आपको बिना मांगे मिलेगा, राइट। जी तो यदि जी आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो सिस्टम जो है आपको मोहल्ला अधिकारी दूसरे दिन घोषित कर देगा, राइट। जी यदि आप जी 3 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको टाउन अधिकारी, यदि आपको 5 लोगों को जोड़ेंगे तो ब्लॉक अधिकारी, यदि आप 10 लोगों को जोड़ेंगे तो जिला अधिकारी, यदि आप 50 लोगों को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी, यदि आप जी 100 लोगों को जोड़ेंगे तो आपको राष्ट्रीय अधिकारी वो घोषित करता है। और आपको किसी के सामने आवेदन नहीं लगाना है, सिस्टम ऑटोमेटिकली जो ऑटोमेटिक जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई है वो इसको देखते रहते हैं और वो अपने आप आपके बिना मांगे आपको वो सब पद दे देते हैं, ठीक है ना। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि साहब इन पदों से क्या फायदा है? तो ये जी पद देने की कवायद, एक तो ये आपका उत्साह वर्धन करने के लिए है और जी दूसरा आपको ये विश्वास दिलाने के लिए है कि आपको किसी की चाटुकारिता नहीं करना है, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, जी जी क्लियर। अब जो है ये जब आपने 100 लोगों को जोड़ लिया, आप नेशनल अधिकारी बन गए, इसके बाद आप जो लोगों को जोड़ेंगे इसको हमने चंद्रगुप्त की यात्रा कहा है, जी राइट। तो जी चंद्रगुप्त कब बनेंगे आप? चंद्रगुप्त तो 2024 में ही निर्णय होगा। तो जी चंद्रगुप्त कौन है? चंद्रगुप्त वो है जो ऊपर के 543 लोग, जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे वो हमारे जी चंद्रगुप्त है। जी इज इट क्लियर? जी अब ये 543 का फिगर कहां से आया, ये कुछ समझ में आया आपको? आप बता दीजिए सर, वैसे मैं जो समझ रहा हूँ सकता वो थोड़ा गड़बड़ भी हो। 543 जो है हमारे पार्लियामेंट में 545
सदस्य होते हैं, जी आर्टिकल 333 के तहत दो जो है नॉमिनेटेड होते हैं एंग्लो इंडियन, आई डोंट नो किसको रिप्रेजेंट जी करते हैं वो, और जी 543 जो है वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो जी जो ऊपर के 543 लोग हैं वो, उनको चंद्रगुप्त कहा है क्योंकि इनको टिकट मिलेगा। जी तो क्राइम फ्री भारत मिशन जो है एक मिशन है, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ठीक है ना, ये बात समझना जी पड़ेगी, राइट। हाँ ये जी मिशन है, इट नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। जी और एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है जन्म दे दिया गया है 2024 में, जो 543 सबसे ऊपर से सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ने वाले लोग होंगे, उन्हें जो है सिस्टम चंद्रगुप्त घोषित करेगा और जी चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी उनको देगा, राइट। जी और ये पॉलिटिकल पार्टी हाथ जोड़कर उन चंद्रगुप्तों के पास जाएगी और उनसे जी कहेगी कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है, तो आप ये बताइए क्या कोई दूसरा आपको चंद्रगुप्त बना सकता है क्या? नहीं बना सकते तो जो लोगों को खुद जोड़ेगा, संगोष्ठियां करेगा, सब लोगों को जोड़ेगा, हाँ, हालांकि उसके लिए पूरा एक फ्रेमवर्क हमने दिया है, लेकिन उसके जी बावजूद भी चंद्रगुप्त तो वही है जो कोई जोड़ेगा, राइट। तो जी चंद्रगुप्त सामने वाला खुद को स्थापित कर रहा है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी उस चंद्रगुप्त के पास पहुंचेगी और हाथ जोड़कर सविनय कहेगी कि मुझे क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त का आदेश मिला है कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित किया है, आप उन 543 लोगों में से हैं जो जिन्होंने जी सर्वाधिक लोगों को जोड़ा है, जी राइट। जी लिहाजा हम जो है ये टिकट जो है ये आपको देना है, तो आप इसे स्वीकार करें, राइट। अब अज्यूम जी करिए कि सामने वाला कहेगा नहीं नहीं मैं मुझे कोई चंद्र मतलब टिकट नहीं लेना है, मुझे नहीं चाहिए, तो फिर वो जी आपसे नीचे वाले चंद्रगुप्त को दे देगा, ठीक है ना, करेक्ट। हाँ क्योंकि आपको फोर्स नहीं करेगा, लेकिन वो सर्टिफिकेट फिर भी देगा, आपकी स्तुति जी करेगा कि आपने इतना बड़ा काम किया है, हम आपको सलूट करते हैं और आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन चूंकि आपने जी टिकट लेने से मना किया है, लिहाजा ये टिकट दूसरे को दे देगा। नेक्स्ट जो नेक्स्ट रहेगा, जिसने आपसे कम नेक्स्ट जो है जो मतलब 543 की जगह 544वां जो व्यक्ति रहेगा उसको जो है वो टिकट मिल जाएगा, ठीक है ना। जी अब इसमें जो राजनीतिक पार्टी है वो आपको जो है उसका काम केवल टिकट देना ही है ना, वो आम जी सभाएं करेगी ना वो कोई प्रचार करेगी, वो कुछ नहीं करेगी। जी और इसमें हमारे चंद्रगुप्त जो है बिना 5 पैसे खर्च किए हुए सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को जो है ना पराजित करेंगे। तो कैसे जी पराजित होंगे? तो क्राइम फ्री भारत मिशन में इस पूरी कवायद के दौरान हम 100 करोड़ से ज्यादा होंगे, राइट। तो ये जी 100 करोड़ लोग जो है स्वयं जो है अपने छत पे खड़े होकर, या जिसके पास छत नहीं है तो अपने चबूतरे पे खड़े होकर, और चबूतरा नहीं है तो अपने दरवाजे पे खड़े होके, चाहे वो झुग्गी का ही दरवाजा क्यों ना हो, थाली बजाकर दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्त का जो है ना के को जिताने का संकल्प लेंगे। तो ये जो क्राइम फ्री भारत मिशन के जो सदस्य हैं यही वोटर भी हैं। तो जी जब 100 करोड़ वोटर अपने चंद्रगुप्तों को जिताने का संकल्प लेंगे, तो आप बताइए ये सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे सर अब जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक और जो है, और हम एनालिसिस करते रहेंगे, हमें और भी नई समझ में चीजें आएंगी तो उनको भी हम जोड़ेंगे। तो हमने ये पाया जी है कि ये नेता छद्म तरीके से जीतते हैं, फ्रीबी बांटकर, दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, पैसे बांटकर, तो गरीब लोग जो है इनके हंसे में आ जाते हैं। लिहाजा क्राइम फ्री भारत ने अपने गरीब सदस्यों से कहा है कि अब इसके बाद तो ये राजनेता कभी जीतेंगे नहीं, राइट। तो ये जी इन्होंने जो है बहुत सारा भ्रष्टाचार करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया है, ये जी पैसा अब इनसे लेने का समय आ गया है, क्योंकि ये पैसा इनका है ही नहीं, राइट। बिल्कुल सही तो अभी जैसे जो है ना ये जाते हैं 1,000 रुपए देते हैं, 2,000 रुपए देते हैं, फिर जो है
जब ये राजनेता पब्लिक के पास पहुंचेंगे, जो कि क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य भी होंगे, तो वो लोग जो है ना उनसे कहेंगे कि साहब 1,000 2,000 में काम नहीं बनता है, 10,000 दो, 20,000 दो, 30,000, ठीक है ना। जी यदि वो जी साड़ी बांटेंगे तो एक साड़ी नहीं चाहिए, कम से कम 6 साड़ी चाहिए। यदि वो जी दारू बांटते हैं तो कहेंगे कि आपने दारू की लत लगाने वाले तो आप ही हो भाई, तो एक दारू जी की बोतल से काम नहीं चलेगा, एक क्रेट दीजिए। तो जी मकसद ये है कि इन राजनेताओं ने जो भ्रष्टाचार करके पैसा इकट्ठा किया है उसे इस बार छुड़ा लेना है, राइट। और जी वोट जी किसको देना है? अपने चंद्रगुप्त को देना है, चंद्रगुप्त राइट। जी तो जी अब ये अपने जैसे पहले कहा कि ये बाहुबली है, अपराधी है, दुष्ट है, जब ये हारेंगे तो क्राइम फ्री मिशन ने कहां तक सोच के रखा है ये सोचिए। उन्होंने सोच के रखा है कि या फिर ये दुष्ट लोग जो है, ये बाहुबली लोग, इन गरीब लोग जिनको उन्होंने पैसे दिए हैं, उनके हाथ पे तोड़ने पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे कि भाई तुमने तो पैसे फिर लिए और मतलब हमारा जो है ना वोट भी नहीं दिया, पहुंचेंगे हाँ कि नहीं पहुंचेंगे। हाँ तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने कहा है कि जब ये आपको पैसे बांटने आए तो उनके साक्ष्य इकट्ठे करते जाओ, राइट। और जी जैसे ही जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन जो है जीत के आएगी तो सबसे पहले एक ऑर्डिनेंस जारी करेगा और इसे संज्ञेय अपराध बनाकर इन सब दुष्ट जी राजनेताओं को, बाहुबलियों को जो है वो गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। जी तो वो मतलब मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन जो है बहुत गहराई से बात सोच रहा है। देखिए जी मैं आपको बताऊं, क्राइम फ्री भारत मिशन यहां तक भी सोच रहा है कि ये सभी दुष्ट राजनेता एकजुट हो जाएंगे और आप यदि आपके पास लोकसभा में पूरे 543 से भी सीटें होंगी तो राज्यसभा में तो आपके पास एक भी सीट नहीं होगी, जी होगी क्या? नहीं होगी नहीं होगी। और ये सब जी राजनेता एक एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि यदि आप सफल हो जी गए तो ये परमानेंटली कंडेम हो गए, कंडेम तो वो वैसे भी हो गए हैं लेकिन फिर रिसेंटली तो हाँ भविष्य में हमेशा के लिए कंडेम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जी ये एकजुट होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे। बिल्कुल होंगे सर, उनको तो कोई ईमान धर्म थोड़ी है, उनका तो तुरंत ही जिधर दम उधर हम हो जाते हैं। करेक्ट। तो इन लोगों को जो है ये हमें नियम कानून नहीं बनाने देंगे। तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने सोच के रखा है कि 21 ऑब्जेक्टिव के लिए जो नियम कानून और व्यवस्था चाहिए उसे ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो है, क्योंकि ऑर्डिनेंस बनाने की शक्ति हमारे अंदर होगी, तो हम ऑर्डिनेंस के माध्यम से वो इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। जी और जो ऑर्डिनेंस है वो 6 महीने में यदि पार्लियामेंट से पास नहीं होता है तो वो लैप्स कर जाता है, राइट। और जी हम उसे पार्लियामेंट में पास कराने की स्थिति में नहीं होंगे और हम पे उस पे जी एनर्जी भी खर्च नहीं करेंगे, राइट। तो जी हम उसे लैप्स होने देंगे और ये 6 महीने के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर, उसमें और जो भी रिफाइनमेंट और इम्प्रूवमेंट करना है उस इम्प्रूवमेंट के साथ हम दूसरा ऑर्डिनेंस लेके आएंगे जो फिर छह जी महीने रहेगा। तो हमें पूरे नियम कानून के ऑर्डिनेंस 8 बार, 4 साल में 8 बार रिफाइन करने का मौका मिलेगा, जी राइट। और फिर जो बिल्कुल है 4 साल के अंदर जो है हमारी राज्यसभा में भी मेजोरिटी हो जाएगी और फिर हम जो है उन सभी 8 रिफाइनमेंट के साथ उन ऑर्डिनेंस को विधिवत कानून में परिवर्तित कर देंगे। मतलब जी मैं ये बात आपको सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन कितने माइन्यूटली, कितनी दूर की बात सोच रहा है। जी मतलब ये जी कोई एडहॉक रिएक्शन नहीं है, ये कोई जीतने का वो नहीं है, ये पूरा जी पूरा मॉडल है। अब आप जी ही बताइए ये सभी लोग जीतेंगे, हारेंगे कि नहीं हारेंगे? बिल्कुल आ रही अच्छा, अब जो है 100 करोड़ की यात्रा के लिए, एक तो चंद्रगुप्त वाली बात हमने आपको बता दी है, अब जो जी है आपको मैं इसकी तीन बहुत रीढ़ की हड्डी हैं। जी एक है संकल्पित करण होना, एक है ऊर्जाकृत होना, दूसरा है संकल्पित होना, तीसरा है जी शपथकृत होना। तो जिन जी लोगों को जोड़ना है उन्हें ऊर्जाकृत करना है, संकल्पित करना है और शपथकृत जी करना है। अब मैं इन तीनों जी चीजों को आपको समझाऊंगा, ठीक है। जी तो ऊर्जाकृत करना
जो अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा था यही ऊर्जाकृत करता है, राइट। जी और जी इसको ऊर्जाकृत करने के लिए एक YouTube चैनल पूरी चलाई गई है, जो उस YouTube चैनल में 2100 से भी ज्यादा वीडियोज हैं। कितने हैं? बाप रे 2100 बाप से भी ज्यादा वीडियोज हैं। अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं ये भी कल तक रे, अपलोड हो जाएगी, जी राइट। तो जी वो वीडियो आपकी मदद के लिए है कि जब आप, यदि मान लो मैंने समझाया, आप इसी समझाने को यूज कर सकते हैं दूसरे लोगों को समझाने के लिए, जी राइट। जी तो ये हो गया ऊर्जाकृत। ये तो बहुत बड़ा हथियार हो गया सर। हाँ, वो हथियार पैदा किए गए हैं, इसलिए तो हमने कहा सुमर सुमर नर उतरे पारा। ये उतरे इतना पारा आसान कर दिया गया है कि उसके लिए विद्वान होने की जरूरत नहीं है, समझ जी रहे ना। अच्छा, जी अब इसमें जो है, ये तो हो गया ऊर्जाकृत होना। फिर दूसरी प्रक्रिया है संकल्पित होना। तो जो व्यक्ति जी भी जुड़ेगा उसे 5 में से एक संकल्प करना है। अभी आप भी जो है ना उनमें से एक संकल्प करेंगे, अभी ये बातचीत खत्म होते होते तक। तो जी मैं जी आपको ये 5 संकल्प समझाऊं क्या? बिल्कुल सर। तो पहला संकल्प है कि मैं प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को जोड़ूंगा। वो कौन होंगे, क्या होंगे, वो भी आगे आगे आएगा। प्रतिदिन 10 जी व्यक्तियों को जोड़ूंगा और यह संकल्प मात्र 9 दिन के लिए है, जी राइट। तो आप 90 चलो व्यक्तियों को जोड़ेंगे, केवल 9 दिन में ही आपका संकल्प खत्म हो जाएगा। जी दूसरा संकल्प है कि मैं प्रतिदिन 5 व्यक्तियों को जोड़ूंगा, फिर आपका संकल्प 9 दिन की जगह 18 दिन हो जाएगा। आप 90 व्यक्तियों को जोड़ रहे हैं, राइट। तीसरा जी संकल्प है कि मैं प्रतिदिन जो है 3 व्यक्तियों को जोड़ूंगा, फिर आपका संकल्प 30 दिन चलेगा। जी चौथा है कि मैं प्रतिदिन 2 व्यक्तियों को जोड़ूंगा, फिर हमारा संकल्प जो है 45 दिन चलेगा। और पांचवा जी संकल्प है मैं प्रतिदिन 1 व्यक्ति को जोड़ूंगा, फिर आपका संकल्प 90 दिन चलेगा। जी तो आपको कौन सा संकल्प ग्राह्य है? सर, एक दिन के ट्रायल पर मैं इसमें आगे नहीं, बढ़ूंगा। ट्रायल लड़ाई नहीं, आप इतनी आसानी से कर पाएंगे, आप भूल जाइए। आप तो आगे, मैंने आपको बताया ना कि सब चीज आपको, सब हथियार आपको दिए जाएंगे। आप तो एक संकल्प ले जी लीजिए। मैं 1 महीने वाला संकल्प ले लेता हूँ सर। अच्छा, इसका मतलब है आप प्रतिदिन जो है 3 व्यक्तियों को तीन जोड़ेंगे व्यक्ति को और जी ये संकल्प आपका 30 दिन तक चलेगा। बढ़िया, बहुत हाँ सुंदर, सर बहुत सुंदर। अब है इसमें एक शपथ है, ठीक है ना। तो उस शपथ के, तो अभी हमने आपको दो चीजें समझा दी, ऊर्जाकृत करना, और ऊर्जाकृत करने के लिए आपको मैंने एक पूरा पूरा यूट्यूब चैनल दे दिया है, राइट। जी देन हमने आपको समझाया संकल्प 5 समझा दिए हैं। आप जो, हर कोई कोई भी 5 में से एक संकल्प जो है ना चुन सकता है। फिर तीसरा है शपथ कृत करना। जी तो ये शपथ कृत करना मैं आपको समझाऊं। हाँ सर शपथ के 3 हिस्से हैं। पहला जी हिस्सा है मैं भारत माता की शपथ लेता हूं, अपने देश के लिए मैं स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा। जी देखिए, क्योंकि सभी लोग चंद्रगुप्त की यात्रा में रहेंगे, ऊपर वाले 543 ही केवल चंद्रगुप्त फाइनली बन पाएंगे, लेकिन शपथ हर किसी को लेना है कि मैं प्रयास करूंगा, हो सकता है मैं ही आ जाऊं 543 में। क्लियर। तो जी शपथ, पहला शपथ कह रहा है मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं अपने देश के लिए स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा। जी फिर शपथ का दूसरा हिस्सा कहता है मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन एक वीडियो जरूर देखूंगा और अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। तो जी जैसे हमारी बातचीत में जो ऊर्जा आपको मिली है, इस ऊर्जा को आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और हर दिन एक वीडियो देखने का आपको संकल्प लेना है, जिससे कि आपकी एनर्जी डिटर्मिनेशन बढ़ता जाए। तो जी शपथ का दूसरा हिस्सा क्लियर हो गया। क्लियर हो गया जी चलिए अब शपथ का तीसरा हिस्से पर चलते हैं। ये कह रहा है कि मैं अपने से जुड़े लोगों को ऊर्जाकृत करूंगा, संकल्पित करूंगा और शपथ कृत करूंगा, राइट। जी
और निम्नानुसार जो है छोटी मोटी संगोष्ठी करके, फोन से बात करके, वीडियो टॉक करके, हम जो है लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे, संकल्पित करेंगे और सब अपन पार्ट टू के बारे में पहुंचते हैं। तो जी शपथ के अपन ने दो हिस्सों के बारे में बात की थी। पहला हिस्सा था कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपने देश के लिए मैं चंद्रगुप्त बनूंगा, मैं स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा, राइट। जी अपन ने जी चर्चा की थी कि मैं भारत पार्ट टू कह रहा है, मैं शपथ लेता हूं कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन एक वीडियो देखकर मैं अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा, जी राइट। अब शपथ जी नंबर पार्ट थ्री है कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने से जुड़े लोगों को ऊर्जाकृत करूंगा, संकल्पित करूंगा, शपथकृत करते हुए उनसे टेलीफोन से, वीडियो कॉन्फ्रेंस से, छोटी छोटी संगोष्ठी के माध्यम से उन्हें जोड़ूंगा, निम्नानुसार जोड़ूंगा। तो 7 दिन की जो है ना कवायत है उसमें, ठीक है ना। तो जी सोमवार को मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चे और एक्सटेंडेड फैमिली के सभी लोगों को जोड़ूंगा, ये है सोमवार का संकल्प, राइट, सोमवार की जी शपथ। फिर मंगलवार जी की शपथ है कि मैं अपने मित्रों और पड़ोसियों को जोड़ूंगा। फिर बुधवार जी की शपथ है कि मैं अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा। फिर जी गुरुवार की शपथ है मैं अपने विभिन्न सर्कल से जुड़े हुए लोगों को जोड़ूंगा। फिर जी शुक्रवार की शपथ है कि मैं विद्यार्थी और युवाओं को जोड़ूंगा। तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि जहां विद्यार्थी होंगे वहां जाना होगा, जहां युवा होंगे वहां जाना होगा। तो कॉलेज भी हो सकता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकते हैं आपके, जो है जहां बच्चे रहते हैं वो हॉस्टल्स हो सकते हैं। तो जी जहां पर वो हैं वहां पहुंचकर उनको ऊर्जाकृत करेंगे, संकल्पित करेंगे और शपथकृत करके जोड़ेंगे, राइट। ये हो गई जी है शुक्रवार की कवायद। फिर जी है शनिवार की कि मैं बुजुर्गों को और वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा। और रविवार का शपथ है कि मैं समाज सेवी संगठनों को जोड़ूंगा, राइट। अब जैसे आपके जी परिवार के सदस्य जो है वो सीमित हैं, खत्म हो जाएंगे, राइट। तो फिर उस जी दिन को आप, बहुत सारी 16 वाह विदा हैं, उनमें से जो वाह विदा आपको अच्छी लगती है उसमें से जो है ना आप एक वाह विदा चुन सकते हैं। तो कोई जो है पंच सरपंचों को जोड़ने की बात कर सकता है, कोई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के जिनके साथ रोज विश्वासघात हो रहा है उनको जोड़ने की बात कर सकता है, कोई जो है मजदूरों को जोड़ने की बात कर सकता है, कोई जो है किसानों को जोड़ने की बात कर सकता है। तो जिसको जो चीज आसान लगती है वो जो दिन खाली होता जाए उसमें जोड़ते जाना है। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हमारे बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन सिर्फ अपने लाभ के लिए जिया है। ये विद्वान तो हैं लेकिन बेहद ही स्वार्थी और खुदगर्ज हैं। इन्होंने जी आज की व्यवस्था का, इन राजनेताओं का अपने आप को अपने लाभ के लिए चरण सेवक बना लिया है। तो इनमें विद्वत्ता की कमी नहीं है, लिहाजा जैसे ही समझ में आ जाए कि ये विद्वान और चरण सेवक है तो उस पर एनर्जी खर्च नहीं करना है, चाहे वो जी परिवार का सदस्य हो, चाहे मित्र हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे सर्कल से जुड़ा हुआ हो, चाहे युवा हो, चाहे जो है वरिष्ठ नागरिक हो, चाहे समाज सेवी संगठन से जुड़ा हुआ हो, कोई भी हो वो, जैसे ही आपको ये समझ में आए कि ये तो बहुत विद्वान व्यक्ति है लेकिन इसने पूरा जीवन अपने स्वार्थ के लिए ही बिताया है, अच्छी पोस्टिंग के लिए बिताया है, ये व्यक्ति जो है ना खुदगर्ज और स्वार्थी है, तो उसे पत्थर मानकर जो है लात मारना है, उसको नजरअंदाज करना है और उससे कहना है कि भाई साहब आप तो बहुत ज्ञानी हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए आप, राइट। जी नहीं तो क्या जी करेगा वो व्यक्ति, वो अपनी विद्वत्ता का दुरुपयोग करके आपको कंफ्यूज कर देगा। कंफ्यूज कर दे, सही तो बात हमें कंफ्यूज नहीं होना है, तुम नहीं जुड़ना चाहते हो तो भाड़ में जाओ, जी बात समझ रहा है। लेकिन बिल्कुल कबीरदास जी ने इन पत्थरों के लिए भी एक पहले से ही एक वो दे दिया है, सिद्धांत दे दिया है। तो आपने जरूर जी सुना होगा कि जी लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल,
लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल, ये आपने जरूर पढ़ा होगा बचपन में, कभी ना हाँ कभी तो सर, पढ़ा होगा, पढ़ा था कि नहीं? जी सर, जी, बिल्कुल पढ़ा है। तो जी, ये कह रहा है कि जब 100 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो ये दुष्ट पत्थर भी उस लालिमा से अपने आप को नहीं बचा पाएंगे, और वो भी लाल होकर जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन से नतमस्तक होते हुए जुड़ जाएंगे, जी राइट? लेकिन शुरू में इनको जो है नजरअंदाज करने में आप कंफ्यूज होने से भी बचेंगे, आप जो जी है अपने आप को जो है बचाते हुए आगे निकल पाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, राइट? जी जी अब हम आपको जी 100 करोड़ की कवायद समझाते हैं कि साहब ये कोई बच्चों का खेल है क्या, राइट? तो बिल्कुल आप सुनने के लिए तैयार हैं? मैं बताऊं आपको कैसे बनेंगे 100 करोड़, और बहुत आसानी से, जैसा मैंने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधार, समर सुमर नर उतरे पारा, तो जैसे वो नाम लेना आसान है ऐसे ही पूरी प्रक्रिया आसान है, राइट? तो जी यदि जी मानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने आज ही ये संकल्प चालू किया है, और मिस्टर जी सुधाकर इज नंबर वन, राइट? जी और सुधाकर जी के बाद हमने 8 लोगों से और बात की, तो आज शाम तक हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी ये 10 लोग जो है ऊर्जाकृत भी हैं, संकल्पित भी हैं और शपथकृत भी हैं, राइट? जी तो दूसरे दिन 100 होंगे कि नहीं जी होंगे? तीसरे जी दिन 1,000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 100 करोड़, 10 करोड़, और नौवें दिन 100 करोड़ हो गए कि नहीं हो गए? तो बिल्कुल आप कहेंगे सर कैसी बातें करते हैं आप, ये कोई लोगों को जोड़ना कोई मैथमेटिक्स होता है क्या, राइट? तो मैं अब आपको दूसरे तरीके से इसी एनालिसिस को बताऊंगा, और आपको ये एहसास कराऊंगा कि नहीं ये बहुत ही आसान है, ठीक है ना? तो अब मैं इसके एक रिवर्स एनालिसिस करके दिखाता हूं आपको। तो नौवें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे, राइट? और नौवें जी दिन आपका 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो रहा है, तो इन 90 करोड़ लोगों को जोड़ने के लिए कोई दिन नहीं बचा है, तो 90 करोड़ लोग सिर्फ जुड़ेंगे और उन्हें एक भी व्यक्ति को नहीं भी जोड़ेंगे तो भी हमारा 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो क्या अपने आप को बिल्कुल जोड़ना कठिन है? नहीं नहीं। चलिए अब अपन 8वें और 9वें दिन को जोड़ लेते हैं, तो 9 करोड़ लोग जो है 90 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं, और टोटल जो है जोड़ने वालों की संख्या 99 करोड़ है। इसका मतलब है कि यदि 99 करोड़ लोग केवल एक व्यक्ति को भी जोड़ लेते हैं, पति अपने पत्नी को, या पत्नी अपने पति को, या बच्चे को, या किसी रिश्तेदार को, केवल एक ही व्यक्ति को जोड़ लेते हैं, तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो क्या बहुत कठिन है ये? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या एक व्यक्ति को जोड़ना बहुत कठिन है? अपने पति को पत्नी को, या पत्नी को पति को, या बच्चे को किसी एक को जोड़ना कठिन है क्या? मिस्टर सुधाकर, आप बता नहीं रहे हैं, आप ये कठिन है या सरल है? नहीं, आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। एक व्यक्ति को जोड़ना और 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा, इसको आप सरल पा रहे हैं या कठिन पा रहे हैं? जिस तरीके से आप बता रहे हो तो सरल ही लग रहा है थोड़ा। बहुत सरल लग रहा है ना? अब जो है अपन मैथिली शरण गुप्त के पास 9 दिन थे, तो मैथिली शरण गुप्त 90 लोगों को जोड़ेंगे। जिन 9 लोगों को मैथिली शरण गुप्त ने जोड़ा उनके पास 8 दिन होंगे, तो 9 लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा मात्र 80-80 लोगों को जोड़ने से। जी 90 लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा मात्र 70 लोगों को जोड़ने से। 900 लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा मात्र 60 लोगों को जोड़ने से। 9,000 लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा मात्र 50 लोगों को जोड़ने से, जी राइट? जी और 90,000 लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा मात्र 40 लोगों को जोड़ने का। और 9 लाख लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा मात्र 30 लोगों को जोड़ने से। जी और 90 लाख का संकल्प पूरा हो जाएगा मात्र 20 लोगों को जोड़ने से। और 9 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा मात्र 10 लोगों को जोड़ने से। और 90 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा बिना किसी को जोड़े। तो ये बहुत आसान नहीं है,
जबकि हम ऊर्जाकृत और संकल्पित हैं कि हर कोई 90 व्यक्ति को जोड़ेगा, जबकि 90 लोग तो सिर्फ मैथिली शरण गुप्त को अकेला जोड़ना है तो भी संकल्प पूरा हो जा रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो बहुत सरल है कि नहीं है? सरल है, बहुत सरल है। और बदले में क्या मिल रहा है? हम इन सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी दुष्ट राजनेताओं को, जिन्होंने हमारे ऊपर अंग्रेजों के नियम कानून और इको सिस्टम थोप के रखा है, जिन्होंने जो है पूरे सिस्टम को विषाक्त बना के रखा है, जिन्होंने देशी और विदेशी शक्तियों के आधार पर जो है ढेर सारी नेगेटिव चीजें हमारे ऊपर थोप के रखी है, जिन्होंने घटिया कानून बना के हमारी जिंदगी मुश्किल कर दी है, जिन्होंने हमारे ऊपर कर थोप के रखा हुआ है, तो 21 ऑब्जेक्टिव में जो है अंग्रेजों के नियम कानून को जो है ना बदलना है, दूसरे ऑब्जेक्टिव में जो व्यवस्था है उसको ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबल बनाया जाएगा, यदि वो गलत निर्णय लेती है तो उसे कंपनसेशन देना होगा, कर मुक्त भारत होगा, पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, निरोगी भारत होगा, दीर्घायु भारत होगा और अन्य 21 ऑब्जेक्टिव भी पूरे होंगे, ऐसा भारत होगा जहां आगे चल के न केवल अपराध करना एक विकल्प नहीं होगा, बल्कि मेरा मानना तो ये है कि भारत का हर व्यक्ति समृद्ध होगा, भारत में गरीब बना रहना भी एक विकल्प नहीं होगा। तो सुधाकर जी, आप ऊर्जाकृत हुए, संकल्पित हुए और शपथकृत हुए, मैं ये मानू या नहीं मानू? कोई शंका तो है नहीं सर इसमें। कोई शंका नहीं, ठीक है। तो मैं ये मानू कि आप प्रयास करेंगे कि आप अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर उन 543 लोगों में जो है ना अपने आप को स्थापित करेंगे, और इस पूरी प्रक्रिया में संकल्पित करना, ऊर्जाकृत करना और शपथकृत करने का ध्यान रखेंगे। हम जो है सोशल मीडिया और बाकी के माध्यम से भेजने का तो काम कर सकते हैं, लेकिन संकल्पित करना, ऊर्जाकृत करना, शपथकृत करना ये 1-to-1 प्रोसेस है, राइट? एट द मोस्ट 1-to-10 हो सकता है। तो इसके लिए हम टेलीफोन का यूज कर सकते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस का यूज कर सकते हैं, हम जो है बैठ के जो है जहां संभव है वहां संगोष्ठी कर सकते हैं, और इसमें जो है थोड़ी सी ऊर्जा डालने के लिए जो शपथ का प्रारूप है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देखेंगे तो हर वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, हम कई बार उसे पोस्ट भी करते रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अपने हाथ से जो है उस शपथ पत्र को लिखकर और उसकी फोटो लेके इसी ऐप में जो प्लस का साइन है उसको दबा के आप उसे अपलोड कर पाएंगे। दूसरा, मैं चाहूंगा कि आप स्वयं और जिन लोगों को जोड़ रहे हैं उनको भी जो है कहिए कि वो जो अपने जो शपथ लेने की जो प्रक्रिया है उसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर उसको डालें, राइट? यदि किसी कारण से कुछ वीडियो अपलोड करने में कोई दिक्कत महसूस करता है बिकॉज ऑफ साइज और समथिंग, तो या तो उस वीडियो को दोबारा उसी साइज में बना लें जो कि अपलोड हो जाती है, या यदि इसके बाद बड़ा है तो उसे टेलीग्राम में मेरे साथ शेयर कर लें तो मैं मदद करूंगा, राइट? तो जब हम अपना जो है हाथ से लिखा हुआ संकल्प पत्र जो है अपलोड करेंगे, हम अपना वीडियो संकल्प करेंगे, तो हमारे जो बाकी सदस्य हैं उनका भी ऊर्जा का लेवल बढ़ेगा, और जो अभी कुछ थोड़े बहुत ढीले पड़े हुए हैं वो चंद्रगुप्त बनने की राह पर जो आगे निकल जाएंगे। अब आप ये बताइए, इस पूरी प्रक्रिया में आपको कोई संदेह रह जाता है कि हम सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे? नहीं, कोई संदेह नहीं रह गया ना? नहीं, कोई नहीं रह गया, राइट? अब मैं आपको एक दूसरी एनालिसिस आपसे करना चाहता हूं कि आपने अभी आप जुड़ गए हैं, आपके 5 पैसे खर्च हुए क्या? नहीं हुए। आप चंद्रगुप्त बन जाएंगे तो चंद्रगुप्त बनने में आपके 5 पैसे खर्च होंगे क्या? नहीं होंगे। आपने कोई चक्का जाम, कोई जुलूस, कोई धरना, कोई घेराव, कोई दिल्ली चलो, ऐसा कोई नेगेटिव काम किया क्या? नहीं किया। आप जो है इस प्रक्रिया में उन्हीं लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो आपसे कहीं ना कहीं संबंध रखते रहे हैं, जो आपसे जुड़े रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में जब आप उनसे बातचीत करेंगे, अभी तो आप जो है बाकी चीजों में फंसे रहते हैं, आपके पास समय ही नहीं होता है। डू यू एग्री विथ मी? समय होता है क्या? नहीं होता है। तो समय ना होने के कारण जो है
हम जब हमें कोई काम होता है तभी हम जो है 10-15 मिनट तक भूमिका बनाते हैं, फिर धीमे से दबी हुई आवाज में कहते हैं भाई साहब ये काम है, हो जाएगा क्या, राइट। हाँ जबकि जब आप इस तरीके का काम करेंगे तो आपकी आवाज में मेरी जैसी बुलंदी होगी, राइट, जी क्योंकि आप एक देश हित का काम कर रहे हैं। तो जी आपके नेटवर्क में मिठास बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बड़े तो आपका नेटवर्क में मिठास भी बढ़ेगी, आपका आनंद भी बढ़ेगा, आपकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ेगी, और 5 पैसे खर्च भी नहीं होंगे, और आप चंद्रगुप्त भी बन जाएंगे, और उसी आधार पर आप आगे चल के मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो आपको सब कुछ नहीं बिल्कुल मिल गया क्या? और आपको वो इकोसिस्टम मिल जाएगा जो कि ये चंद्रगुप्त जो है ऑलरेडी कमिटेड टू मेक इट, जो हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि 4 साल तक ऑर्डिनेंस के माध्यम से हम उसको रिफाइन करेंगे और 4 साल के बाद जो है ना उसे कानून बना देंगे। तो आपको आपका पूरा इकोसिस्टम ही नहीं बदल जाएगा। जी बिल्कुल बढ़िया तो अब इस वार्तालाप को यहाँ पे समाप्त करें, तो आप आम सर। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस संदेश के साथ इस वार्तालाप को फिर अपन समाप्त करेंगे। सर एक क्वेरी थोड़ी सी मुझे जो मैं समझ नहीं पाया था जरूर 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 पूछिए। वो ये कि जैसे ये जो ऐप डाउनलोड करेंगे लोग उसमें रेफरेंस को का महत्व है कि आप आप अपनी अपने रेफरेंस से वो अपने जोड़े। आप अपने उसको कॉपी करके से या व्हाट्सएप पे शेयर करके या मीडिया पे शेयर करके करेंगे, जो आपके लिंक से जुड़ेगा वो आपको अपने आप वो रेफरेंस मिल जाएगा। अच्छा, जी। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपको अच्छा वो पद भी कॉपी करने से ऑटोमेटिक ही होगा, मिलेगा, है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसे वो आपका कॉपी नाम नहीं करने पर लिखना। ही मिलेगा सर, क्या हो गया? कॉपी शेयर नहीं, करने से ही होगा। मतलब उसको 3 तरीके से शेयर कर सकते हैं। कॉपी लिंक कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करने का उसमें अलग ऑप्शन है, अदर मीडिया पे शेयर करने का अलग ऑप्शन है, आप तीनों को यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है कॉपी लिंक को प्रेफर करता हूं, क्योंकि हम आसानी से उसे व्हाट्सएप पे भी पेस्ट कर देते हैं। जी आप तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, और आपके लिंक से जो जुड़ेगा आपको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली आपको उसका पॉइंट मिल जाएंगे जी उसमें आपको। तो ये क्वेरी आपकी शांत हो गई क्या? हाँ अच्छा, और कोई क्वेरी है? क्योंकि क्वेरी पूछना बहुत नहीं जरूरी होता है। हाँ हाँ अब समझेंगे तो पूछेंगे, नहीं समझेंगे तो क्या ठीक पूछेंगे बात है, ठीक बात, तो जो भी समझेगा वो पूछेगा, नहीं समझेगा तो पूछ ही नहीं पाएगा। सही बात, सही बात तो है। नहीं, वो जो है जैसे आपने पूछ लिया तो जो व्यक्ति इस ऑडियो को वीडियो को सुनेंगे वो तो उनको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल तो इसलिए जो जी है ये वार्ता जो हमारे आपके बीच में है, इट इज नॉट बिटवीन यू एंड मी, इट इज बिटवीन द जी ग्लोब, क्योंकि ये अभी जी जी कल तक जो है ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगी, जी ठीक है। तो जी सर, सुधाकर जी, अब इस वार्तालाप तो को विराम दिया जाए। सर बिल्कुल चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी सर, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम सर।